हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार न्यूज। मेरा नाम संतोष कुमार है। तो आज का हमारा टॉपिक है, इससे पहले कि अगर नए नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट स्पोकन कोर्स फ्री दे रहा हूं। और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है शेयर करते रहिए, सबको ये मिले। मैं बार बार ये आपको बोलता हूँ, बोलने की कोशिश करता हूँ कि आप सिर्फ बोर्ड पे सेंटेंसेस को ना देखिए। आपको मैं कुछ ना कुछ बताने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो इससे बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, और अगर मैं मुझे उनके साथ बने रहना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपको मैं कुछ अच्छा ना दूंगा तो कैसे काम चलेगा कि आप मेरा वीडियो क्यों देखिएगा। काफी हमारा आज का वर्ड है लाइव। अब इसको हमें कैसे कैसे यूज करना है, हमें किस तरह में बोलना है, किस सेंस में मीनिंग हमें क्लियर करना है, ऐसे पसंद करना, अच्छा लगना, ऐसा तो सबको पता है कि लाइक का मीनिंग क्या होता है, अंत में लाइक ही करना है। ठीक है, ओके, अच्छा लगे तो। सो व्हाट डू यू लाइक? आप किसी सब यू मेट सम अननोन पर्सन, आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, कोई अननोन अनजान होता है, अननोन, ओके, सो उनसे मिलते हैं, आप जानना चाहते हैं, यू वांट टू नो अबाउट हिम, अबाउट हर, अबाउट देम, उनके बारे में या उन लोगों के बारे में, उसके बारे में। What do you like? आपको क्या अच्छा लगता है? Oh, I like movies, music, games, cricket, और games तो मैंने बोल दिया है। आप जो आपकी जो मर्जी है, it is your likes, आप देखिए। So, I like games, movies, music, etc. इत्यादि। Okay? Do you like Hollywood movies? Next question ये हमारा, अच्छा लगता है? क्या आपको Hollywood movies अच्छा लगता है? Do you like? Oh, I don't like. मुझे अच्छा नहीं लगता हॉलीवुड मूवीज वेरी मच, यानी बहुत ज्यादा। मेरे कहने का मतलब है, मुझे हॉलीवुड मूवीज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। आई लाइक इट, आई लाइक देम, मतलब अच्छा लगता है, नॉट वेरी मच, बहुत ज्यादा नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हुम डू यू लाइक मोस्ट। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा, आप सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं? हूं किसे, किसे यानी किन को, किसे पर्सन, किसे? अगर सो आई लाइक माई पेरेंट्स मोस्ट, मोस्ट में लिखा था सबसे ज्यादा, लिख दो। यहां भी होम किसे, What do you like most? यानी सबसे ज्यादा आप किसे पसंद करते हैं? Oh, I like my parents. Parents most. अच्छा, parents, you can say my friends, my neighbors, my sister, my brother. Whoever, आपकी मर्जी। Why do you like him? अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा कुछ है कि अच्छा आप उसे, him, उसे क्यों पसंद करते हैं? आप मैंने किसी का नाम लिया, किसी के दोस्त का नाम लिया, you can say her. If you are a female, अगर आप स्त्रीलिंग है तो आप का प्रयोग कर सकते हैं। हर अच्छा, किसी ने पूछा आप उसे क्यों पसंद करते हो, या तुम उसे क्यों क्यों पसंद करते हो? Why do you like him? Why do you like him? Only present indefinite, present का indefinite tense. Okay, अब आप बता रहे हो कुछ qualities. Oh, he's honest, ईमानदार है, frank, यानी कि बिल्कुल एकदम clear, एकदम जो सबको सामने बोले, not hidden, जो छिपा हुआ ना हो, frank. Kind, दयालु, जिसमें बहुत सारा दया हो, और he's honest, frank, kind, sincere, true, ऐसे सच्चा है, सब कुछ हो गया। Frank का मतलब ये होता है सब कुछ एकदम बिल्कुल एकदम खुले दिल वाला, frank. Why don't you like him? अब ना किसी को ना पसंद करने का, why don't you like him? Okay, तुम उसे क्यों पसंद नहीं करता? तुम उसे क्यों पसंद नहीं करता? अब क्यों? अब ना पसंद करने का कारण तो कुछ ना कुछ होगा, यहाँ अच्छा था या बुरा होगा। ओके, या ही सेल्फिश, सेल्फिश यानी स्वार्थी, ओके लीजिए स्वार्थी। ये सब मैं वर्ड वर्ड्स में कहा चुका हूं, ही सेल्फिश, स्टबर्न, हॉटी, स्टबर्न क्या था, जिद्दी, हॉटी, घमंडी, ठीक है। तो इस सब वर्ड्स में करा चुका हूं, ठीक है। और आपको आप अपने अगर नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख लीजिए, संडे स्पेशल में सब वर्ड्स होते हैं, आप जाके देख सकते हैं।
सो ही सेल्फिश स्टबर्न बहुत ही वो मतलब स्वार्थी है, जिद्दी है, घमंडी है, बहुत ज्यादा है. सो आई डोंट लाइक हिम, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ. एंड वन मोर सेंटेंस, डू लाइक पॉलिटिशियंस, डू लाइक एक्टर्स, आप यहाँ पर एस लार का प्रयोग करिए, ठीक है. डू लाइक पॉलिटिशियंस, डू लाइक एक्टर्स, एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, क्या आपको ये लोग पसंद है? क्या आपको पॉलिटिशियंस अच्छे लगते हैं, क्रिकेटर्स अच्छे लगते हैं, फुटबॉलर्स अच्छे लगते हैं? एंड इस तरह आप प्रयोग करके आप इनको यहाँ पर एस लार के प्रयोग करिए बेटा, आप सारे को बोलते हैं. ओके, डू लाइक मैंगोज, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऐसे आप प्रयोग करिएगा एस लार के. समझ, इस सेंटेंस को लिखने का मेरा यही कारण था और कुछ नहीं था. तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए. थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, लेट मतलब टाइम पर नहीं मिल सका. इट वाज एक्चुअली वी आर फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है, बट आपको मिलेगी वीडियो डे ब्लॉग में मिलेगी. सो ओके, कीप वॉचिंग, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा, और इनको प्रैक्टिस. एक्चुअली मैं टारगेट क्या है कि आपको मैंने आपको स्पोकन सिखाया है, स्पोकन बिल बोलने के सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस हो सके. ओके, दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग. ओके, थैंक यू.